हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजू मित्रा। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये बेसिकली इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर चेक कीजिए। तीनों पार्ट देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि आपको इस चैप्टर का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के पार्ट में हम पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए उसके आगे शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एनिमल्स न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। वो जैसे प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स होते हैं। हमने देखा था कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड लेते हैं। हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हमने देखा बहुत सारे फंक्शन जैसे इसोफेगस, बकल कैविटी, लिवर, पैंक्रियास वगैरह के बारे में। हमने देखा टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में। फिर हमने देखा कि सलाइवा हमारे बॉडी के लिए कितना हेल्पफुल होता है। फिर हमने देखा टूथ और टीथ टिक्की के बारे में। फिर हमने देखा स्टोमक के बारे में, फूड पाइप इसोफेगस के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, स्टोमक के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम उसके आगे बात करेंगे। तो पिछले लेक्चर में बेसिकली हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज चलते हैं अगले पार्ट पर। तो द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। तो यहां बेसिकली बताया गया कि हमारे फूड का वो पार्ट जो पार्शियली डाइजेस्ट होता है, यानी पूरा तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जो क्या होता है कि हमारे लोअर पार्ट से गुजरते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है और वहां वो पूरे तरह से डाइजेस्ट होता है। और जहां जो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड हुआ, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वो पूरा सारा का सारा डाइजेस्ट यहीं हो पाता है। सो द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू द सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सो फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसमें, सॉरी कार्बोहाइड्रेट किसमें बदलता है, हमारे शुगर में। जो फैट होता है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे वो बदलते हैं अमीनो एसिड्स में। तो होप आपको ये क्लियर हो चुका था। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम बात करेंगे कि ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड जब ब्रेक डाउन होते हैं और वेरियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं, तो इसका जो अब्जॉर्प्शन होता है, इससे हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं, इसका हम हमारे बॉडी में कैसे इसका अब्जॉर्प्शन होता है, तो चलिए देखते हैं। सो डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इन टू द ब्लड वेसल्स। तो अब ये डाइजेस्टेड फूड है जो हमारे ब्लड के वेसल्स होते हैं उसमें अब पास कर पाता है एक जगह से दूसरे जगह, इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन हमारा जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, उनके वॉल से गुजरते हुए। और वहां बेसिकली क्या होता है, जो हम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो एनर्जी होती है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, हमारा प्रोटीन हो गया, हमारा फैट्स हो गया, वो कन्वर्ट होकर जब शुगर बनता है, जब फैटी एसिड या ग्लिसरॉल बनता है, जब अमीनो एसिड बनता है, तो उसका अब्जॉर्प्शन भी होना जरूरी है। अगर उसका अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो वो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ ऐसे ही रिमूव हो जाएगा हमारे बॉडी के। तो उस प्रोसेस को जिससे ये हमारे बॉडी को मिल पाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोज, दीज आर नोन एज विलाई। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, बेसिकली जो देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर होता है कर्व टाइप, उसके जो इनर वॉल होता है उसमें बेसिकली ऐसा आउटग्रोथ होता है जो कि उंगलियों की तरह देखने में लगता है। तो उट आउटग्रोथ को हम बेसिकली बोलते हैं विलाई, जिसका सिंगुलर दिया हुआ है विलस। सो कैन यू गेस व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन। तो क्या आप सोच सकते हो कि विलाई के इंटेस्टाइन में क्या रोल है, विलाई किस तरह से इंटेस्टाइन में सिग्निफिकेंस प्ले करता है, वो कैसे इंपॉर्टेंट है। सो द विलाई इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो विलाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या करता है कि सर्फेस एरिया को इंक्रीज करता है और फूड का डाइजेशन हो पाता है। आप सोच सकते हो कि कोई अगर ऐसा पार्ट है हमारा, तो यहाँ डाइजेशन अच्छा तरह से होगा, या कुछ ऐसा है इसके अंदर यहाँ कर्व कर्व है, तो फूड हमारा ज्यादा डाइजेस्ट हो पाएगा, इसके पार्ट्स में भी फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। तो इसीलिए विलाई हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है और अच्छे से डाइजेशन प्रोसेस कर पाता है। सो ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल।
तो जो हर एक विलस होता है यानी हर एक विलाई होता है उसके अंदर क्या होता है, नेटवर्क होता है छोटे छोटे ब्लड वेसल का, जिसमें हमारा न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर होता है क्लोज टू इट्स सरफेस। द सरफेस ऑफ द विलाई अब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो विलाइज होते हैं वो क्या करते हैं कि डाइजेस्टेड फूड होता है उसको अब्सॉर्ब करते हैं हमारे बॉडी में, जिससे हमारा बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होता है। सो द अब्सॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाय द ब्लड वेसल्स टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो ये क्या होता है, जो बेसिकली जो अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे बॉडी को पूरा वेसल्स के द्वारा हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स के पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को ये अब्सॉर्ब सब्सटेंसेस को हमारे बॉडी की बहुत जरूरत होती है और वहां वो यूज किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बिल्डअप करने के लिए। सो सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी इज नोन एज एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन हमने देखा एक प्रोसेस क्या है कि सब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जो हमारे प्रोटीन्स बॉडी को रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है कि हमने देखा कि जो विलाई जो अब्सॉर्ब फूड करता है वो बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफर किया जाता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन्स, और इस ट्रांसफर वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एसिमिलेशन। तो हमने पढ़ा पहले इजेशन, फिर हमने देखा डाइजेशन, और फिर हमने देखा ये एसिमिलेशन यानी डाइजेशन के बाद हमने देखा एब्जॉर्प्शन। तो यह हमने प्रोसेस देखता है, आप बेसिकली इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो फर्स्ट प्रोसेस था हमारा इजेशन यानी हमने खाना को लिया, सेकेंड प्रोसेस था हमारा डाइजेशन यानी खाना हमने डाइजेस्ट कर लिया, थर्ड प्रोसेस था हमारा एब्जॉर्प्शन और फोर्थ था हमारा एसिमिलेशन और फाइनली फिफ्थ जो होता है वो होता है एक्रीशन। तो चलिए आगे इसको अच्छे से देखते हैं। सो इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का ब्रेकिंग डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिसको जिस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। उसमें क्या निकलता है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो बेसिकली प्लांट्स लेते हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था बेसिकली कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में कि कैसे जो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसमें क्या निकलता है ऑक्सीजन, जो कि हम ह्यूमंस लेते हैं। और जब हम ह्यूमंस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से क्या निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है प्लांट्स लेते हैं एंड एनर्जी इज रिलीज, और उसके साथ बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं अपना डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए और अपने बॉडी फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए। सो द फूड दैट रिमेंस अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और फाइनली और वैसे फूड जो कि पूरे तरह से अनडाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं पूरे तरह से अब्सॉर्ब नहीं हो पाते हैं वो क्या होते हैं कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। सो द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है कि थोड़ा बड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या हमें सर्कमफेरेंस में, लेकिन लंबाई में ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है 7.5 मीटर्स का होता है, लेकिन जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर का ही होता है। सो इट फंक्शन इज टू अब्सॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो इसका फंक्शन क्या होता है बेसिकली आप देख सकते हो कि हमारे बॉडी में बहुत सारे जो हम फूड कंज्यूम करते हैं जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड जैसे हमने देखा कार्बोहाइड्रेट फैट्स विटामिंस प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, तो यहाँ कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन जब अनडाइजेस्टेड फूड उसे आगे ट्रैवल करता है तो उसमें भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ऐसे कि जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे सॉल्ट जो यूजफुल हो सकते हैं या वाटर वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो वाटर सम सॉल्ट को या अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को अब्सॉर्ब कर लेता है। सो द रिमेनिंग वेस्ट प्रोसेस इन द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज ए सेमी सॉलिड फीसेस। तो उसके बाद क्या होता है कि रेक्टम एक स्टोरेज होता है जहां की हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अच्छे तरह से वहीं रहता है सेमी सॉलिड में यानी आधा सॉलिड आधा लिक्विड में। द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड एज इजेशन जिसको हम एक्सक्रीशन भी बोलते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि इंजेशन हमने देखा पहले, उसके बाद देखा हमने
डाइजेशन, फिर देखा हमने एब्जॉर्प्शन, फिर देखा हमने एब्सिमिलेशन, फिर आया हमारा एक्रीशन या इजेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो रिमूवल होता है हमारा हार्मफुल या वेस्ट प्रोडक्ट्स का हमारे बॉडी से, दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। तो होप आपको क्लियर हो गया हो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन इज ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल जो कि घास खाते हैं, आपको पता होगा काउ, बफेलोस, ऑक्स, बुल, कैटल्स वगैरह ये करते हैं। तो चलिए इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। सो हैव यू ऑब्जर्व काउस, तो क्या आपने काउस, बफेलोस एंड अदर ईटिंग ग्रास एनिमल्स देखा है? कि आपने देखा होगा कि गाय, भैंस वगैरह जो कि घास खाते हैं वो कंटिन्यूसली चीविंग करते रहते हैं, हमेशा जब आप देखोगे तो अपना मुंह चलाते ही रखती हैं। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इन द पार्ट ऑफ द स्टोमक कॉल्ड र्यूमेन। तो जो बेसिकली क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी से ग्रास को खा जाते हैं एक ही बार में, और उसके स्टोमक का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं रूमेन, वहां जाके वो स्टोर हो जाता है। और उसके बाद बेसिकली क्या होता है, हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। और वहां पार्ट में क्या होता है कि फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है, उसको बोलते हैं कड। तो यहां एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं, दैट इज अबाउट डायरिया। सो समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली, द कंसेशन इज नोन एज डायरिया। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्तियों को बहुत सारे या तो फूड पॉइजनिंग से या ओवर ईटिंग, कभी कभी आपने देखा होगा या सुना होगा कि जब आपने जब फूड पॉइजनिंग होता है या आपको वीकनेस हो जाता है उसके कारण कभी कभी डायरिया भी हो जाता है, ये कभी कभी इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। ये बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे इंसान को लूज मोशन हो जाता है जिसके कारण उनका इजेशन पर कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो ये क्या होता है, बेसिकली इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है या इंजेशन के कारण हो सकता है। सो इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेस है जो हाइजीनिक नहीं है, वहां बहुत सारा इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तो यहाँ बेसिकली डायरिया एक कॉमन बीमारी हो गया है। सो पार्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रेन अंडर सेवियर कंडीशन इट कैन बी फैटल। तो बच्चों को बहुत ज्यादा ये लूज मोशन का प्रॉब्लम होता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। तो आपने देखा होगा बच्चों को कभी कभी वाटर पिलाया जाता है या मार्कर से कभी कभी वाटर में मिनरल्स वगैरह डाल के पिलाया जाता है या उनको वाटर का भी कभी कभी इंजेक्शन दिया जाता है वगैरह वगैरह, बॉटल भी हम चढ़ाते हैं जिससे क्या होता है कि उनमें जो वाटर सॉल्ट कंटेंट है उनकी मात्रा बढ़ सके और स्ट्रॉन्ग हो सके। तो डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो ये बेसिकली ऐसी बीमारी है जिसको बहुत लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन बिकॉज अ डॉक्टर शुड बी कंसल्ट शुड बी गिवन टू द प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कुक वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो ऐसा कभी किसी को हो तो उसे बॉइल्ड वाटर देना चाहिए या ठंडा पानी कभी कभी सॉल्ट या शुगर के साथ मिला के। सो दिस इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS। आपने देखा होगा मार्केट में भी ORS का पाउच हमें ऐसे ही मिलता है जो हम लाकर घर में वाटर के साथ मिलाकर पेशेंट को देते हैं जिससे वो ठीक हो पाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इट इज कॉल्ड कड। तो हमने देखा अभी रूमन के बारे में। रूमन क्या होता है कि स्टोमक का एक पार्ट होता है जहां फूड स्टोर कर लिया जाता है कैटल द्वारा जल्दी जल्दी खाके। एंड यहाँ जो फूड क्या होता है कि पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, यानी थोड़ा पूरा तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है क्योंकि वो जल्दी जल्दी खा लेते हैं, तो उसीलिए हम उसको बोलते हैं कड। यहाँ भोजो और पहेली के मन में क्वेश्चन भी आता है, उसको भी देखते हैं। तो पहेली वॉन्ट्स टू नो वाई दिस एनिमल्स कैनॉट च्यू फूड प्रॉपरली एट अ टाइम व्हेन इट इज टेकन। तो ये बोलती है कि जैसे काउस बफेलोस हो गए, वो जल्दी जल्दी खाना क्यों खा लेते हैं और ह्यूमन में स्टोर क्यों करते हैं एक ही साथ, जैसे हम इंसान खाते हैं वैसे क्यों नहीं खाते हैं। और भूजो भी जानना चाहता है कि वाई वी कैनॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक कैटल डू। तो कैटल बेसिकली क्या करते हैं कि सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, उन्हें फूड से सेलुलोज मिलता है और उसका डाइजेशन कैटल कैसे कर पाते हैं, जैसे हमने देखा कि हमें ग्लूकोज मिलता है, उनको मिलता है सेलुलोज, तो उसका डाइजेशन वो कैसे पकड़ पाते हैं लेकिन हम इंसान नहीं कर पाते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको भी क्लियर करते हैं। तो हमने देखा रूमन जो प्लेस है जहां फूड स्टोर होता है, फिर हमारा कड में पार्शियल डाइजेशन होता है जिसको बोलते हैं कड। बट लैटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ एंड स्मॉल लम्स एंड द एनिमल च्यूज इट। तो फिर क्या होता है, जो होता है वापस माउथ में दोबारा से आ जाता है, फिर जो जानवर क्या होता है उसको दोबारा से कट को च्यू करते हैं और माउथ में फिर जाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं
रूमिनेशन। तो जानवरों से बेसिकली क्या होता है कि पहले क्या होता है कि जैसे घास आता है वो खा लेते हैं, फिर उसको ह्यूमन में स्टोर हो जाता है और वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, यानी अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं कड। तो फिर वापस क्या होता है कि कुछ देर के बाद वो एनिमल्स में वापस स्मॉल लम्स यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बटकर उनके मुंह में आता है, फिर उसको दोबारा च्यू करते हैं और इसी प्रोसेस को कहते हैं रिन्यूमेशन। और जो एनिमल्स ये प्रोसेस करते हैं उसको कहते हैं रूमिनेंट्स। तो आपको बेसिकली ये याद रखना चाहिए। सो द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, जो घास होता है वो जानवर खाते हैं वो क्या होता है कि उसमें सेलुलोज का कंटेंट होता है, विच इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमारा टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमने देखा था स्टार्च या ग्लूकोज, या और एनिमल्स का है यहाँ काउस का है यहाँ सेलुलोज, हमने देखा ग्लूकोज और प्लांट्स में देखा स्टार्च। तो आप देख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट का टाइप जो हम एनिमल्स प्लांट्स और कैटल्स अलग अलग और ह्यूमंस अलग अलग लेते हैं। तो इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल डियर एक्सेट्रा, तो कुछ रूमिनेंट्स हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रूमिनेशन का प्रोसेस करते हैं, यानी खाना का लंब बनाकर दोबारा उनके पास वापस आता है और वो खाते हैं। सो ऐसे रूमिनेंट लाइक कैटल एक्सेट्रा बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, तो उनके रूमेन जो होता है वहां पर बैक्टीरिया होते हैं जो कि डाइजेशन प्रोसेस में मदद करते हैं। सो मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, तो हम इंसान भी सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे अंदर उस टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है जैसा कि कैटल्स में होता है। सो एनिमल्स लाइक हॉर्सेस रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड शीकम बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जो हॉर्सेस होते हैं जो घोड़े होते हैं या रैबिट्स होते हैं उनके क्या होता है कि बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम शीकम बोलते हैं, वो क्या होता है उनके ईसोफेगस यानी फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। तो सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, तो यहाँ क्या होता है बेसिकली हॉर्सेस रैबिट में जो हमने देखा सीशम जो प्लेस है जो कि ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है वही ही सेलुलोज का डाइजेशन होता है। और ये क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो इन एनिमल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, हम ह्यूमंस में ये प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए हम ह्यूमन सेलुलोज का डाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ बुजो के क्वेश्चन का आंसर हमने खोज लिया, और पहली के आंसर का भी क्वेश्चन हमने देखा कि वो क्या करते हैं कि दोबारा लेते हैं अपने खाना को और दोबारा खाते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिन्यूमेशन। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच प्रोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमने अभी बात किया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एनिमल्स के बारे में, बट देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव ए माउथ एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसका माउथ ही नहीं होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। आपको याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर में बात किया होगा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो ऑर्गेनिज्म बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल सेलुलर जो एक सिंगल सेल से बने होते हैं और एक होते हैं मल्टी सेलुलर, तो इनके पास बेसिकली ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना ही कोई ऑर्गन सिस्टम होता है ना ही कोई माउथ होता है। तो चलिए देखते हैं कि वो इसका डाइजेशन कैसे कर पाते हैं। सो देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि फिर वो खाना कैसे खाते हैं और उसका डाइजेशन कैसे करते हैं। तो इन द सेक्शन बिलो यू लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे टू इनटेक फूड, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन सा इंटरेस्टिंग वे है जिससे जानवर अपना खाना खाते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज 2.4, तो यहाँ बेसिकली पहले आप देख सकते हो यहाँ हमारे पिक्चर में दिया हुआ है काउ का, ये हुआ वो फूड खाती है, ये हुआ ईसोफेगस और ये हुआ रूमेन। रूमेन में क्या होता है कि पहले ही फूड स्टोर कर लिया जाता है और फिर वो दोबारा उनके पास बाहर जाता है और फिर वो क्या होता है कि फिर से वहां काउ फिर से उसको च्यू करती है और फिर से वो अंदर आता है, फिर बाकी डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीटेड होता है। तो आगे बढ़ते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, तो अमीबा बेसिकली क्या है कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड वाटर, तो ये बेसिकली तालाब के पानियों में अधिकतर फाउंड किया जाता है। इसे आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये बेसिकली ऐसा दिखता है, आदमी अपने अनेडेड आई यानी अपनी आंखों से इसको ऐसे ही नहीं देख सकता है, इसको देखने के लिए उसके माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक होता है, ये बहुत ज्यादा छोटा होता है। सो अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन अराउंड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, तो अमीबा के अंदर आप देख सकते हो फिगर में क्या क्या होता है। सो हमने देखा कि अमीबा ये है न्यूक्लियस, मैंने आपको बताया था कि सेल का सेंटर पार्ट को क्या बोलते हैं न्यूक्लियस। फिर हमारा आया है
फूड पार्टिकल, ये क्या है, प्रोसेस ऑफ इजेशन कर रहा है, यहाँ बाहर का फूड पार्टिकल है यहाँ कैप्चर कर रहा है। तो दीज आर फूड वैक्यूल्स एंड दिस इज इजेस्टेड वेस्ट, यानी ऐसा वेस्ट जो अपने शरीर से बाहर निकाल चुका है वो रिमूवल ऑफ वेस्ट है। नेक्स्ट इज सूडोपोडियम। सो आपने यहां देख सकते हो कि हमने देखा कि अमीबा कंस्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन। तो अमीबा क्या करता है कि अपना शेप और पोजिशन को हमेशा चेंज करता है, और क्यों करता है, क्योंकि वो मूव कर सके, लोकोमोशन कर सके और अपना फूड भी ले सके। सो इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया। तो ये आप देख सकते हो बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है उसके बॉडी पर, जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। अगर सूडोपोडिया का हम डिफ्रेंशिएशन करें, अगर उसको तोड़े, तो अर्थ होता है फॉल्स और पोडिया का अर्थ होता है फीट, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें फॉल्स फीट होता है, जो बहुत सारा काम कर सके, उसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सो और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। तो इससे अमीबा क्या करता है कि अपना फूड को कैप्चर करता है और मूवमेंट के लिए, यानी लोकोमोशन का भी उसका यूज करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां में दिया हुआ बेसिकली अमीबा फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। तो अमीबा किस पर फीड करता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक हो, यानी उससे भी छोटे होते हैं। तो व्हेन इट सेंस फूड, जब वो फूड को सेंस कर पाता है, इट पुशेस आउट सूडोपोडिया। वो क्या करता है बेसिकली, अपना सूडोपोडिया आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ये होते हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको बोलते हैं सूडोपोडिया। कई सारे बच्चे इसको पी सूडोपोडिया भी प्रोनाउंस करते हैं, जो कि इनकरेक्ट होता है, इसमें पी बेसिकली साइलेंट होता है, तो इसको हम पढ़ते हैं सूडोपोडिया। सो अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एनगल्फ इट। तो कोई भी फूड पार्टिकल आएगा तो वो क्या करेगा अमीबा, उसके चारों तरफ सूडोपोडिया फैला लेगा और उसको फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेगा। सो उसके बाद क्या होता है कि जो फूड वैक्यूल्स होते हैं उसके अंदर फूड बेसिकली ट्रैप हो जाता है। यहाँ बेसिकली देख सकते हो फिगर 2.10 में हमें दिया हुआ है, यहाँ बेसिकली देख सकते हो कि कैसे जो हमारा यहाँ जो फूड है, यहाँ जो आया है, वो बेसिकली फूड वैक्यूल्स के अंदर ट्रैप हो चुका है। सो डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द वैक्यूल। जो फूड वैक्यूल्स है उसमें डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट किए जाते हैं, जहां ये फूड डाइजेस्ट होता है। तो दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और जो ये डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वगैरह, जो डाइजेस्ट करने में, जो डाइजेशन प्रोसेस में मतलब बहुत सारा सिग्निफिकेंस प्ले करते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। तो उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सो द अब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लीकेशन। तो जो सब्सटेंस जो अमीबा मैंने अब्जॉर्ब किया, उससे क्या होता है कि अमीबा ग्रो कर पाता है, मेंटेन कर पाता है अपने बॉडी फंक्शंस को, और मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि एक अमीबा से दूसरे अमीबा में कन्वर्ट हो जाना, यानी अपना रीजनरेशन प्रोसेस करना। सो द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल। और ऐसा पार्ट जो वो नहीं खा पाता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, आप यहाँ देख सकते हो बेसिकली कि यहाँ से बेसिकली इजेस्टेड वेस्ट, यहाँ से वो इजेशन प्रोसेस कर देता है, वो वेस्ट बाहर आ जाता है। सो द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन द सेम इन ऑल एनिमल। तो यहाँ से बेसिकली दिया हुआ है कि जो बेसिक प्रोसेस होता है डाइजेशन का, सारे के सारे एनिमल में सेम होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। सो इन अ लेटर चैप्टर यू लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अब्सॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द ब्लड बॉडी। तो आगे के चैप्टर्स में हम बात करेंगे कि कैसे जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो इंटेस्टाइन द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है और उसे वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे बहुत सारे ऑर्गन्स अपना फंक्शन कर पाते हैं और हमारा बॉडी ग्रोथ हो पाता है और हमारी बॉडी की सारी फंक्शन और मेंटेनेंस अच्छे से हो पाती है। तो यहाँ कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, चलिए उनको भी वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहले हमारे पास एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब हम इजेशन प्रोसेस करते हैं, यानी फूड को लेते हैं, फिर क्या होता है डाइजेशन, और डाइजेशन होने के बाद वो क्या होता है बेसिकली न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होता है, और वो न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को देखा हमने, वो शुगर में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन्स अमीनो एसिड, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और ये न्यूट्रिएंट्स जब अब्जॉर्ब होते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। सेकेंड है अमीनो एसिड, यानी जब प्रोटीन्स कन्वर्ट होता है वो होते हैं अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। थर्ड इज अमीबा। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हिच इज यूनिसेलुलर।
एसिमिलेशन हमने प्रोसेस देखा, पहले होता है इजेशन, सॉरी पहले होता है इंजेशन, फिर हमारा होता है डाइजेशन, फिर होता है एब्जॉर्प्शन, फिर होता है प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। हमने देखा बाइल के बारे में जो कि लिवर के द्वारा सेक्रेट होता है जो कि डाइजेस्टिव जूस होता है। फिर देखा हमने बकल कैविटी के बारे में जहाँ से हम फूड इनटेक करते हैं, जहाँ से इसोफेगस में वो ट्रांसफर होता है। फिर देखे हम लोग कनाइन के बारे में जो एक टीथ का टाइप है। फिर देखा हमने सेलुलोज के बारे में, सेलुलोज क्या होता है, बेसिकली ग्रास में फाइंड किया जाता है, वो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लांट्स सॉरी जो कि एनिमल्स लेते हैं। और डाइजेशन होता है हमारा द प्रोसेस ऑफ जिसमें फूड डाइजेस्ट होता है। इजेशन होता है द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। फिर हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो कि फैट का डाइजेशन होने से होता है। फूड वैक्यूल होना देखे हैं कि जो हम फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। फिर देखा हमने गैल ब्लैडर जहाँ की स्टोर किया जाता है हमारा फूड्स वगैरह। फिर आता है ग्लिसरॉल जो कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो कि प्रोटीन सॉरी फैट के डाइजेशन से बनता है। इंसाइजर इज अ टाइप ऑफ थिस। इंजेशन प्रोसेस देखा हमने, प्रोसेस ऑफ जिसमें हम खाना लेते हैं। लीवर देखा कि सबसे बड़ा ग्लैंड हमारा। मिल्क टीथ देखा हमारे कि जो 6 साल के 8 साल के बच्चे जो होते हैं उनके पास मिल्क टीथ होता है। फिर मोलार्स एक टाइप ऑफ टीथ देखा कि जो कि च्यूइंग में मदद करता है। फिर परमानेंट टीथ देखा कि जो कि बरो में होता है, दैट इज 32 इन नंबर। फिर इसोफेगस आल्सो नोन एज फूड पाइप पैंक्रिया जो कि एक ग्लैंड है जो कि सेक्रेट करता है जूसेस जिससे डाइजेस्ट हो पाता है हमारा प्रोटीन्स वगैरह फैट्स वगैरह वगैरह। फिर प्रीमोलार भी टाइप ऑफ टीथ है। सूडोपोडिया इज फॉल्स फीट ऑफ अमीबा। रूमेन क्या होता है, काउस फैटल्स में एक ऐसा जगह होता है जहाँ फूड स्टोर होता है और उसमें से क्या होता है कि कर्ड में कन्वर्ट होता है और उस प्रोसेस जिससे वो कर्ड में कन्वर्ट होता है वापस बाहर आता है, फिर से च्यू करते हैं, फिर से अंदर जाता है, फिर उसको बोलते हैं रूमिनेंट उस ऑर्गेनिज्म को और उस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। सलाइवरी ग्लैंड देखा हमारे माउथ में बेसिकली होते हैं जिससे हम सलाइवा सेक्रेट होता है और उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का हम एब्जॉर्प्शन डाइजेशन कर पाते हैं और उससे हमारा शुगर में कन्वर्ट होता है। तो विलाई हमने देखा कि द फिंगर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फिर देखा हमने सलाइवा, सलाइवा क्या होता है बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड उसको सेक्रेट करता है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली अपना सेकेंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को पूरी तरह से फिनिश कर लिया है। अगर आपको कोई भी इस चैप्टर में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और चैप्टर और किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे क्रिएटिव, कीप लर्निंग एंड मोस्ट ऑफ ऑल हैव फन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।